मैं हमेशा से समझता रहा कि मैं लगता हूँ सिकंदर, फिर लोगों ने मुझे बताया कि तू लगता है बंदर। गया मैं दुकानदार के पास तो उसने बोला, नहीं है चिली मिली। पूरा ड्रामा गुजर गया लेकिन मुझे एक भी बच्ची नहीं मिली। हजार बार बता चुका हूँ लोगों को, मेरे घर के सामने हैं दो नाले। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, कैसे हो परिजात काले। हेलो कमाली जी। बॉस मैं आज से ऑफिस नहीं आऊंगा। क्यों बॉस? क्योंकि मैं मरने जा रहा हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मरे जा रहे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे आप मजाक करें, चजाक करें, कुछ भी करें, आप जायदाद मेरे नाम करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है और अकबर तुम्हारे तक फाइल पहुंचा देगा। सच में? हाँ। थैंक यू बॉस, जल्दी मरे। मुझे कभी कॉल मत करना। अच्छा बॉस, बॉस कुछ बोल, बॉस बॉस बॉस। ख्वाहिश है बच्ची की पूरी ना कर पाऊं, निब्बा निब्बी की कहानी है और हम तो बहुत काले हैं। मैं पैसों का पुजारी हूँ, मैं नंबर वन भिखारी हूँ। जब घर से बाहर जाता हूँ मेरी पत्नी से लोग बातें। क्या हो गया उस्ताद, देख के चलो, अंधे वंधे तो नहीं हो गए क्या? अंधा होता तो इस जालिम जमाने को कैसे देखता। अबे उस्ताद क्या बोले आ रहे हो, दिमाग हुआ खराब है? बल्कि तुम एक काम करो, मैं तो फारिग चल रही हूँ, साइड में बैठ के बात करते हैं। आओ साइड में आओ। अरे बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं, हम तो फारिग ही चल रही है। वो बताओ वहाँ क्या खड़े होके बोल रहे हो कि अंधा हो, जालिम, ये क्या क्या बोल रहा है, क्या चाह रहे हो? मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर मैं अंधा होता तो इस जालिम जमाने को कैसे देखता। उस्ताद तुम्हें वो सीधी जबान में बात करना नहीं आती यार, क्या घुमा रहे हो यार, सीधी सीधी जबान में बात करो मुझसे। खैर छोड़ो, तुम क्या जानो इस टूटे दिल का हाल, तुम अपना तारुफ कराओ। उस्ताद वैसे तो हमारा नाम SS है, SS यानी के सलीम सपाटा। बड़ा फनकारों वाला नाम है आपका, SS। शुक्रिया उस्ताद यार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? इस नाचीज को दुनिया परिजात कहती है। उस्ताद ये तुम क्या बता रहे हो, नाचीस? अबे मैंने नाचो उसका सुना हुआ है, बल्कि एक दो दफा खाए भी थे, खा रहा था कपड़ों पे गिर गए, लड़कियां हंस रही नहीं मेरे पे। अबे ये कौन सी डिश है नाचीस नाचीस? उड़ा लो, तुम भी उड़ा लो मजाक, पूरी दुनिया ने मेरा मजाक उड़ा लिया, तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ। उस्ताद तुम्हारा नाम है पतंग जो हर कोई उड़ाया जा रहा है, मुझे भी दे दो अपना नाम, मैं भी उड़ाता हूँ उसको। अच्छा जानी बुरा क्यों मान रहे हो, वैसे एक बात बताऊँ, काफ़ी दिल जले लगते हो तुम वैसे। मेरा दोस्त भी मुझे यही कहता था। खैर ये बात बताओ, अभी तुम जा कहाँ रहे थे? मैं मरने जा रहा हूँ ताकि इस मतलबी दुनिया से मेरी जान छूट जाए। क्यों, ऐसा क्या हो गया परिजात जानी? बस वो मान ही नहीं रही, बात बात पे रूठ जाती है, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। अच्छा तो ये बात है जनाब, वैसे एक बात बताऊँ, मेरी मानो तो यार उससे जाके बात कर लो एक दफ़ा, मान जाएगी, 100% मान जाएगी यार, इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की क्या गलती है? नाकाम है मेरी सब कोशिशें उसको मनाने की, पता नहीं कहाँ से सीखी है जालिम ने अदाएं रूठ जाने की। ओहो परिजात साहब, आपको शायरी भी आती है? शायर तो नहीं हूँ लेकिन चंद अल्फाजों को जोड़ तोड़ कर शायरी कर लेता हूँ। वैसे यार परिजात जानी एक बात बताऊँ, शायर ना होकर इतनी भाव शायरी कर लेते हो तुम, बहुत 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 बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं अपना ये शायरी वाला शौक कब का छोड़ चुका हूँ। खैर ये बताओ छालियाँ खाओगे? नहीं मैं छालियाँ नहीं खाता। क्यों, महंगी है इस वजह से? अबे यार तुम बुरा मान जाते हो। खैर ये बताओ सिगरेट पियोगे? अच्छा तुम अगर इतना इसरार कर रहे हो तो पी लेता हूँ।
ना पूछ गरीब जादों से ये कुंवारापन कैसे जला है, लोगों के पास बच्ची है आपका भाई हाथ खेला है। कैसे जान पाओगे मेरे गंदे गंदे वो राजे, मेरा बैलेंस भी कल्लात है मेरी बच्ची मुझसे नाराज है। बच्ची रे बच्ची रे बच्ची। अबे क्या हो गया यार, सिगरेट आज का इंतजाम हो गया। ना पूछ गरीब जादों से ये कुंवारापन कैसे जला है, लोगों के पास बच्ची है आपका भाई हाथ खेला है।